हेलो बच्चों, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th का सबसे पहला लेक्चर। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम क्लास इससे पहले कल वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कई बच्चों को जो अभी अभी हमसे जुड़े होंगे ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमारा चैप्टर है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बुक में नहीं लिखा गया है। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही किया जाता है। बट आप लोगों के बुक में इलेक्ट्रिसिटी में ही वो चीजें कर दी गई है। तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेते हैं और फिर इसको कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी से। काफी मजा आएगा पढ़ने में। और इस चैप्टर की एक थोड़ी यहाँ पर ये खामियां भी है कि अगर आप लेक्चर मिस करते हैं तो आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, तो लेक्चर कम से कम मिस नहीं करना चाहिए इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप देखेंगे तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक्स दैट मीन रेस्ट। और इलेक्ट्रॉन का मतलब किससे है? चार्ज से है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वैसा पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट, चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वे स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। अगर कहीं पर दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है, इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज की जो है दो कंडीशन हो सकती है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन हो सकती है, एक या तो वो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा, दो ही चीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, रेफ्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो जब हम रेफ्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि चार्ज आखिर है क्या, चार्ज किसको बोलते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए बोले कि चार्ज को, कि आप चार्ज को डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अ पार्टिकल गेट इंट्रैक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना है यहाँ पर कुछ पॉइंट को, ये क्या है, चार्ज क्या है, किसी मैटर का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का, कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसका क्या है, प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, कैसा प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल क्या होता है, इंट्रैक्टेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। यहां पर दो वर्ड है जिसको समझना जरूरी है, पहला है इंट्रैक्टेड एंड दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए इंट्रैक्टेड का क्या मतलब होता है, जैसे एक वर्ड होता है अट्रैक्शन और दूसरा वर्ड होता है रिपल्सन, अगर दोनों को कंबाइंडली कहा जाए तो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए इंट्रैक्शन। ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर कहीं पर वर्ड यूज किया गया है इंट्रैक्शन, तो इसका मतलब होता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। मतलब चार्ज क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल कर सकता है। अगर हम मास की बात करें तो मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, तो मास के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टेड वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि मास में रिपल्सन नहीं होता है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में और ज्यादा क्लियरिटी आने लगेगी। यहाँ पर आपको समझना है क्या कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिक। यहां पर यह समझना है आप लोगों को कि जितनी सारी आप ये आपका है चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है कि अपने सराउंडिंग में अपना एक फील्ड जनरेट करके रखता है। जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक हमेशा हम एग्जांपल देते हैं किसी डॉन का एग्जांपल, क्रिमिनल का एग्जांपल देते हैं, तो वो क्या करता है, उसका कुछ अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, इलाका होता है, उसका फील्ड होता है, उसका एरिया होता है। उसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपना एरिया फैला के रखता है। ठीक है, अपने सराउंडिंग में। तो
किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड होता है उसके आसपास जो सराउंडिंग होता है उसका इफेक्ट वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट की वजह से उसके आसपास का जो रीजन होता है उसमें इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेट को आप चेक करते हैं फील्ड, अगर ये मैग्नेट है इसके आसपास क्या करेंगे आयरन का फिलिंग्स लाएंगे तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर कंबाइंडली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंबाइंड कर देंगे तो दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज से बना होता है और साथ ही साथ मैग्नेट से मिलकर बना होता है उसको बोलेंगे। मतलब अगर वैसा फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को हम रख देंगे और वो पार्टिकल जैसे ही मान लो कि यहाँ पर रखे हैं और रखने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा स्लाइड कर गया, इधर स्लाइड भाग गया या फिर नीचे भाग गया, ऊपर भाग गया, मतलब इस पर इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन का मतलब इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस पर क्या है, चार्ज है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर चार्ज नहीं है। अगर एक सिमिलर एग्जाम्पल दे मास के केस में, इस बॉडी में मास है या नहीं है तो ये कैसे पता करेंगे, इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको छोड़ देंगे। देखिए अब नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें मास है, और अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है, नहीं गिरेगा, इसका मतलब सर ये मासलेस है क्योंकि इसको अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ चार्ज एंड अर्थ। ये दो वर्ड जो है ये आपके दिमाग में क्लैरिटी आया होगा कि इस दो वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये चार्ज के बारे में समझ गए। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल चार्ज है नेचर में। नेचर में जो सब फंडामेंटल चार्ज का क्या मतलब है, जो सबसे कम चार्ज है, जो बेसिक चार्ज है, जो जहां से चार्ज का ओरिजिनेशन हुआ है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो आप नोट डाउन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल चार्ज इन नेचर। नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल चार्ज इन नेचर। ये नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज का ओरिजिनेशन कैसे होता है, चार्ज जनरेट कैसे होता है किसी भी बॉडी पर, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, अगर ये फंडामेंटल चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी मैं आपको बताया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल और बेसिक चार्ज इन नेचर, मतलब जितने सारे चार्ज नेचर में प्रेजेंट है सबका ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में E- लिख सकते हैं। मतलब कहीं पर अगर E- लिखा हुआ है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल है। सिमिलरली एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको ई प्लस से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ये समझिए, इसको याद ही रखना है। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक ही जैसा होता है, यानी कि दोनों का वैल्यू एक ही है, इसमें सिर्फ माइनस है और इसमें क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस क्या करता है, चार्ज के नेचर को बताता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब चार्ज का नेचर क्या होता है, जो चार्ज आपका होता है ये दो तरह का हुआ, एक हुआ पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। ये दो तरह का चार्ज होता है आपका, इसको भी नोट कर लेना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ई माइनस और ई प्लस, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, लेकिन दोनों पर क्या है, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो एक पर अगर ई है तो एन पे कितना हो जाएगा, एनी, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन कहीं पर प्रेजेंट है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, एनी हो जाएगा, यानी कि क्यू इक्वल टू एनी। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा सकते हैं, अगर प्रोटॉन रहता तब क्या होता, क्यू इक्वल टू प्लस एनी हम लोग यहाँ पर लगाते। तो ये चार्ज का फॉर्मूला है एनी, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज। Now, अब जो सबसे सोचने वाली बात है वो ये है कि चार्ज जो है ट्रांसफर कैसे होता है, सॉरी चार्ज अराइज कैसे होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। तो इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि चार्ज अराइजेज ऑन एनी बॉडी, चार्ज अराइजेज ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली।
किसी भी बॉडी पर जो चार्ज राइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की ही वजह से होता है और कोई वजह नहीं है जिसके कारण से चार्ज का एराइजेशन हो। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करता है इससे अगले वाले हम ये लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, तो ट्रांसफर क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये भी तो ट्रांसफर हुआ है, तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, तब कौन सा चार्ज लेके निकला है, माइनस, इस पर कौन सा चार्ज राइज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकला है तो तीन प्लस हो जाएगा, अगर चार इलेक्ट्रॉन निकला है तो चार प्लस हो जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो आता है तब इस पर कौन सा चार्ज राइज हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर चार इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज राइज हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, यहां से रिमूव होता है अगर इलेक्ट्रॉन, तब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इंटर करता है तब इस बॉडी पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो ये दो तरह का कंसेप्ट है कि अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तब उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तब उस बॉडी पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ध्यान रखना है कि प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है किसी भी एटम में, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर में मूव करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये चीज है। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी के मास पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, क्वेश्चन है क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, अब ट्रांसफर का मतलब आना और जाना दोनों हो सकता है, क्या बॉडी के मास पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, क्या किसी भी बॉडी को हम जब आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज का मतलब होता है उस पर चार्ज देना, आयंस बनाना, जब आयोनाइज करते हैं या फिर चार्जिंग करते हैं तब क्या उस बॉडी के मास पर कोई अंतर पड़ता है क्या, यह हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में, रिस्पॉन्स आप लोगों का आना चाहिए, और साथ ही साथ ये बताना है कि m प्लस m और m माइनस, मतलब ये m क्या है, किसी पॉजिटिव बॉडी का मास है, एक बॉडी है जिसमें प्लस चार्ज है उसका मास है, अगर वही बॉडी न्यूट्रल है तब m मास है, और अगर उसी बॉडी पे माइनस चार्ज आ गया है तब m माइनस उसका मास है, तो इन तीनों में से किसका मास सबसे ज्यादा होगा, इन तीनों में किसका मास सबसे ज्यादा होगा। और इसके बाद ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग का क्या क्या मेथड है, किस मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो